रवि कैसा भाई, वो ब्रूसली चले वैसा चलता हो नहीं? आप देखे ब्रूसली फिलिप? बहरहाल अन्ना का ये नकटा चपटा, ये घुंघरों की सूरत इसकी, ये वो चल रहा भी कैसा भाई, वो ब्रूसली चले वैसा चलता हो नहीं? आप देखे ब्रूसली फिलिप? बहरहाल अन्ना का वो मामू कहते, अरे मेरे को वो भी हंसती आ रही अभी भी, मामू भांजे ऐसा कैसा हो गए साला रे मिल्लत? तो वो शरीफ इंसान थे ना, बड़े बुजुर्ग बोल सकते है साला रे मिल्लत बहुत शरीफ इंसान थे, तो इन्हें साला कैसा हो गया केसीआर? इनका मामू उनका साला होता ना, देखो आप अपने बाप पे इल्जाम लगा रहा है इन्हें, कितनी बुरी बात बोलो आप, कितनी बुरी बात। मेरे को तो बहुत बुरा दिखा, सालार बहुत शरीफ इंसान थे, आई एम वेरी सॉरी असदुद्दीन, आप वापिस लियो, रिश्ता तोड़ो वो, आप मामू का रिश्ता तोड़ो आप। अरे मामू बनाना था तो किसी अच्छे को बनाना, हम बोले थे वनडे मैच खेलते, हम बोल के बोला था ना वनडे मैच खेलेंगे हम बोल के। बहरहाल अन्ना का काम हो गया, अन्ना जाके बाथरूम में गिर गए तो आटका दिए, मारते मारते रुका दिए, झटका है ये अल्लाह की तरफ से, तू अल्लाह का घर तोड़ा अल्लाह ताला तेरी हड्डी तोड़ दिए, देखो तू अल्लाह का घर तोड़ा ना। अच्छा अब ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करी, अन्ना के साथ अन्ना के कपड़े धोए 9 साल तक दोनों भाया बखौल हमारे, ये लौंडा पॉलिटिक्स, ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करे, वो हॉकी ग्राउंड में ऐलान कर दिया मैं मरते दम तक केसीआर के साथ रहूंगा, जाओ अबू ने भी मर जा रहा तुम भी मर जाओ, जाओ जाओ बेटे जाओ। अब ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करी, अपन ऐलान कर दिया, सबको डरा रहे उलमा मशाइखिन को, आपको मालूम होना चाहिए ये लौंडा पॉलिटिक्स की तरफ से क्या नुकसान हुआ। वो हर इलेक्शन में एक फोटो आती, कोई भी जईफ औरत जाते हुए दिखी जाके असदुद्दीन ओवैसी बाजू बढ़ जाते उसके, हाथ मारते फोटो लियो मैं जल्दी फोटो लियो, चलो फोटो वोटुआ ले लेते, वीडियो बन जाता उसका। अब वो बाद में वो औरत दारू सलाम गई तो वहाँ कुर्सी नहीं है बैठने, पछानते नहीं उसको ही। अब वो लोग तकरीबन मेरे कहने जो प्रजा दरबार में आते वो लोग क्या करके आते मालूम, वो तकरीर सुनते फ्री का दवाखाना जाके अटक जाते। मैं बोलता हूँ जी अम्मा इतने दवाखाने हैं ना, तुम पहाड़े शरीफ से वहाँ गई गए कोई भी दवाखाना नहीं मिला? नहीं साहब मैं वो तकरीर सुनी थी अकबर ओवैसी की।